हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो होगा हम लोग का क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो चुका है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 चालू करने से पहले, एक्सरसाइज 8.2 चालू करने से पहले हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, हालांकि इसके इंट्रोडक्शन में 4-5 वीडियो बनेगा जिसका ये पार्ट होगा, पार्ट फोर वीडियो में देखेंगे हम लोग एंगल 45 का मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि बात करें साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, टैन 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान कितना होता है, उसी तरह से सेक 45 का मान कैसे कितना होगा और कॉसेक 45 का मान कितना होगा, उस तरह से हम लोग टोटल के टोटल निष्पत्तियाँ का मान एक एक वाइज, मतलब टोटल एक एक स्टेप के अनुसार हम लोग पूरी बेसिकली रूप से हम लोग समझेंगे, ताकि आप लोग की कोई भी कंसेप्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। और हालांकि हम इस हर एक लेक्चर में हम देखते जाते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी एक छोटा सा भी क्लो नहीं छोड़ते हैं कि उसमें कोई आवाज़ उठा सके कि यहाँ पे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि हम जहाँ भी कंसेप्ट देते हैं उसको पूरी तरह से समझा भी देते हैं, उसके बगल में लिख भी दिया करते हैं कि यहाँ पे ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे वे कंसेप्ट लगेगा, इसके बाद वो कंसेप्ट लगेगा, पूरे के पूरी हम लोग फॉर्मूले तरह से अच्छे तरह से व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो वीडियो देखेंगे तो आप लोग के पूरी की पूरी आशा और विश्वास के साथ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन अपने इंट्रोडक्शन में। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि एंगल सभी निष्पत्तियों का मान 45 डिग्री में किसका और कितना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोई देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इसको हम लोग निकालने के लिए एंगल 45 सभी निष्पत्तियों का मान 45 डिग्री पर निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगी, तो एक समकोण, वो भी कैसे समकोण पड़ेगा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। कौन से त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे, उसमें उसको सही तरह से विवरण करेंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले ही हम लोग ले लिए हैं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए हैं, जिसका इसका मान होगा ए और ये हो जाएगा बी और सी। तीन शीर्ष हैं जिसका नाम क्या है, ए बी सी है। और देखिए, हम लोग जानते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये ए बी और ये बी सी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण का मान क्या होता है, वो भी 45-45 डिग्री का होता है और बराबर होता है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि न्यून कोण का मान भी बराबर होता है, और ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री के तो होना जरूरी होता है। तो चलिए, इसी स्टेटमेंट को जो इसके बारे में बोला गया है, जो लिखा गया है, उसको हम लोग यहाँ पे एक व्याख्या के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माना कि क्या है, त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो मान लिए जिनका कोण, यहाँ पर लिखेंगे जिनकी कोण ए बराबर कितना है, 45 डिग्री है। कोण ए बराबर कितना है, 45। कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और कोण सी बराबर कितना है, 45 डिग्री है, यही ना है। तो उसको लिखेंगे चूंकि समकोण समद्विबाहु
त्रिभुज होने पर यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें देखिए क्या होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री, समद्विबाहु मतलब का दो भुजाएं क्या हो, बाहु मतलब दो भुजाएं, और क्या होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है समान, दो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब क्या होता है भुजा, यानी कि समान दो भुजाएं वाली कोण, वो भी कैसा हो समकोण, समान दो भुजाएं वाली समकोण त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समान द्वि मतलब दो, समान दो भुजाओं वाली समकोण त्रिभुज, समान दो भुजाएं वाली समकोण त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब समान क्या है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तब ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, तथा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का न्यून कोण पैंतालीस डिग्री का होता है। यहाँ तक तो ठीक है, 45 डिग्री का होता है तो वही बात सही है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, माना ए बी बराबर क्या है बी सी, बराबर इसके आगे ए लिख सकते हैं या बी लिखिए या सी लिखिए या कुछ भी, हम लोग इसका मान क्या कोई भुजा लिख सकते हैं। अगर यदि ए रहा ये तो भी हो जाएगा ए हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए हो जाएगा, तो हम लोग ए सी का मान निकाल सकते हैं। तो हमें लिखा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो रूट हो जाता है, तो यहाँ पर कर देंगे रूट में, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए है और ये है ई है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो हम लोग हो जाएगा टू ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर टू और ए लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या हुआ ए सी का मान निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर टू ए लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं सभी निष्पत्तियाँ के मान पर गौर करते हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है साइन, साइन अब देखिए इसमें हम लोग कहीं भी ले सकते हैं साइन, एक ही एंगल से ले सकते हैं, इधर भी 45 है इधर भी 45 है, यहाँ पे तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा है और 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या होती है कर्ण कहलाती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी ये 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या होगी कर्ण कहलाएगी। अगर हम इस एंगल से बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी भुजाएं हमारी आधार कहलाएंगे, तो या तो हम इस एंगल से देख सकते हैं या तो इस एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए और सी का जो एंगल दिया है वो दोनों क्या है 45 डिग्री है, और 45 डिग्री होने के कारण हम लोग किसी भी एंगल से देख सकते हैं क्योंकि दोनों का एंगल समान है। तो देखिए हम लोग ये जो लकीर दिया है इसी के आधार पर देख रहे हैं एंगल सी के अनुसार, अब यहाँ पर लिख देखेंगे शीर्ष सी के अनुसार, देखेंगे इसमें शीर्ष सी के अनुसार ताकि आप लोग की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कब देखिए हम लोग बात करेंगे एक नंबर में, यहाँ पर लिख रहे हैं शीर्ष सी के अनुसार में बात करेंगे, यहाँ पर एक नंबर क्या होता है साइन क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान लो 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 के अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग
लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, तीन होता है तो इसके बराबर लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर। तो देखिए लंब का मान जो क्या है, हम लोग यहाँ पे ए बी है, ए बी बटे में क्या है ए सी है, कर्ण यही ना है तो ए सी लिख देंगे। तो साइन 45 मान देखिए तो लंब, लंब का मान क्या था ए बी, ए बी का मान क्या था ए दिया है तो ए लिख देंगे। अब देखिए इसमें से कर्ण का मान क्या दिया है, वो रूट अंडर टू और ए दिया है तो रूट अंडर लिखेंगे टू और ए लिख देंगे। ए से एक कट हो जाएगा, वन बाई रूट अंडर टू हो जाएगा क्या साइन 45 का मान। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे दो नंबर में, उसी प्रकार से हम लिखेंगे दो नंबर में कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 फॉर्मूला होता है हम लोग का आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखिए बी सी है, कर्ण कर्ण क्या है ए सी है, ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का मान क्या थे ए दिया है, इसका मान रूट अंडर टू दिया है, ये हो जाएगा ए बटे रूट अंडर टू और ए, ए से ए, ए भी कट जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई रूट अंडर टू। तो हम लोग कितना होगा कॉस 45 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसी तरह से हम लोग तीन नंबर में देखेंगे किसका टेन का। अब क्या साइन कॉस टेन, फिर क्या होता है कॉट से कॉसेक, तो साइन हो गया कॉस हो गया, कॉस 45 का मान वन बाई रूट टू, साइन 45 का मान वन बाई रूट टू। अब टेन 45 का देखते हैं क्या आता है, इसमें लिखेंगे टेन 45 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है लंब बटे आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए लंब कौन क्या दिया है ए बी, आधार कौन क्या दिया है बी सी दिया है, देख लीजिए आधार मान बी सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन 45 डिग्री बराबर। ए बी कौन क्या है ए है, बी सी कौन क्या है ए है, ए बाई ए हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा वन। टेन 45 का मान निकल गया। फिर जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे फोर्थ नंबर में क्या होता है कॉट, कॉट 45 डिग्री लिखेंगे, तो इसका होता है फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आप देखिए आधार का मान क्या दिया है बी सी है, बी सी आधार का जो लंबाई होती है बी सी है ना, और लंब का कितना दिया है ए भी दिया है, तो इसमें लिखेंगे बी सी बाई ए भी लिख देंगे बराबर में। तो आप लिखेंगे कॉट 45 डिग्री का क्या है बी सी का मान क्या है ए है और इसका मान भी ए है, इसको लिखेंगे ए बाई ए, ये भी फुल कट हो जाएगा, इसका मान वन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉट 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा वन, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखिए जस्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है अगला हम लोग का फाइव नंबर में, ये होता है सेक, सेक 45 डिग्री, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बाई आधार होता है, तो लिखेंगे कर्ण बाई आधार होता है, तो कर्ण का मान क्या दिया ए सी, तो लिखेंगे ए सी बटे में क्या है कर्ण का मान ए सी हो गया, बटे आधार का मान क्या है बी सी है, तो लिख देंगे बी सी। तो ए सी का मान देखिए क्या है रूट अंडर टू ए बटा बी सी का क्या है ए है, ए से ए कट के क्या होगा रूट अंडर टू हो जाएगा, इसका मान तो सेक 45 का मान रूट अंडर टू होगा। अब इसी तरह बात करेंगे लास्ट हम लोग का बचा सिक्स नंबर किसका कोसेक, कोसेक कितना 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 मान कितना होता है कर्ण बाई, फॉर्मूला पहले लिखते हैं क्या होता है कर्ण बाई लंब होता है, तो कर्ण बाई लंब लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, कर्ण कौन क्या है ए सी है और लंब कौन क्या है ए बी है, तो ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं इसके लिए। अब देखिए इसमें क्या है ए सी का मान कितना दिया है, तो रूट अंडर टू ए बटे में क्या है इसका मान लंब कौन क्या दिया है ए दिया है, तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर टू हो जाएगा कर्ण का मान। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग कितना जो भी इसमें निकालना था वो निकाल दिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक,
ये तीनों का मान निकाल दिए, देखिए यहाँ पे 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, इस तरह cot 45 का मान 1 होता है, sec 45 का मान √2 होता है, cosec 45 का मान √2 होता है। तो स्टूडेंट हमारी एक लास्ट में यही एक विनती होती है कि आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करते चलिए, एक एक स्टेप को नोट करते चलिए। अगर आप लोग कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को पॉज करें, अगर वहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो प्ले करें, रिव्यू करके देखें, 2 बार 3 बार देखें, ताकि आप लोग की जो भी कंसेप्ट हो पूरी की पूरी समझ में आए। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट करते चलिए।